यहाँ पे आए हुए आप सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय हिंद, लाल सलाम। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से मैं और सतीश यहाँ पे आज आए हैं समुदाय के जरिए। और जैसे दीक्षा ने भी बोला कि ये लड़ाई काफी लंबी है और जो बहुजन यूनिटी है, जो जिस तरीके से एक रवैया है इस टाइम से एक सरकार का, हम देख रहे हैं आरएसएस बीजेपी का एक ऑन गोइंग अनलिश अटैक चल रहा है जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जो दलित पिछड़े हुए तबके के लोग हैं उन पे, और जो बहुजन समाज है उन पे। वो लोग ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी पावर है उसको खत्म किया जाए, किस तरीके से उनके जो बोलने की आवाज है उनको कुचाला जाए। लेकिन उनको बार बार बताने की जरूरत है कि ये जो आवाज है ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान से हमें मिला है। ये आवाज कोई आरएसएस और भाजपा सरकार ने हमें नहीं दिया है और इसको बार बार उनके सामने आंखों में आग डाल के बोलने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास सत्ता है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास सत्ता है तो ये आवाज को किसी भी तरीके से कुचाल सकते हैं। हमें पता है कि जो इस टाइम पे हालात है, किस तरीके से एनकाउंटर चल रहे हैं, और जो वर्दी पहनने वाले लोग हैं, जो जिसको सिक्योरिटी, और ये बोला जाता है समाज में सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा जाता है, आज वो ऊपर गए हैं मैदान में। किस तरीके से जो बहुजन समाज है, किस तरीके से जो दलित है, माइनॉरिटी सेक्शन है, उन पे जो वायलेंस स्टेट द्वारा किया जा रहा है उनको वो लोग कैसे अनलीज और डबल तरीके से किए। तो आने वाले टाइम में ये जो लड़ाई है सब यहाँ तक सीमित ना रहे, जेएनयू की तरफ से ये सॉलिडरिटी है इस लड़ाई के साथ, और आने वाले टाइम में इस लड़ाई को आगे भी लेके जाना है और एकदम ग्राउंड पे रहते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। इसके साथ मैं अपना बात खत्म करूंगी। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको इंकलाबी सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जो प्रदेश में हो रहे हत्याओं के खिलाफ यहाँ पर एकजुट हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं उन सभी का एक बार फिर से इंकलाबी उनको सलाम पेश करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूपी में जो सरकार है, जो योगी की सरकार है, और देश में जो मोदी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार होने चुनी गई है, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं दिखा रही है, ये शो कर रही है, ये प्रदर्शित कर रही है कि ये कुछ खास वर्ग के लोगों का सरकार है। ये कहीं ना कहीं स्वयंवादी मानसिकता को दिखा रही है, और जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको भयभीत कर रही है, और वर्दीधारी जो पुलिस है उनके द्वारा उन लोगों का सिलसिलेवार ढंग से हत्या करा रही है। जो पिछले दिनों जो झांसी में पुलिस के द्वारा की गई पुष्पेंद्र यादव की जो हत्या की गई है उसमें साफ नजर आता है, और पुलिस अपने ही बयानों में गिर गई है। पुलिस ने उसमें दो लोगों को चार्जशीट किया है, पुष्पेंद्र यादव और उनके भाई को, जबकि उनके भाई केंद्रीय पुलिस में तैनात है और उसी दिन वो डीएनआरसी में रात को अपने ड्यूटी पे थे। तो इसकी हम सबसे कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरी बात, जो दुष्पाल मौर्या की जो मृत्यु हो जाती है जेल में ही, जो लॉकअप में ही, उनको बिजली के बिल के मामले में उनको कैद किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था, और पुलिस ने उनको जेल के अंदर ही मार दिया। उसके पीछे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि आगरा में जो बार काउंसिल की एक महिला अध्यक्ष थी दरवेश यादव, उनको उनके किसी वकील साथी ने गोली मार करके हत्या कर दी, और न तो सरकार के द्वारा, ना ही पुलिस के द्वारा, और ना ही किसी आला अधिकारी द्वारा, ना ही डीएम और ना ही एसपी द्वारा अभी तक न्याय की कोई जो सेटिस्फैक्ट्री जो वक्तव्य है या जो बयान है अभी तक नहीं लगा है, और उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से ये जो सरकार है इसमें से बहुसंख्यक लोगों को निकाला जा रहा है, जो बहुजनवादी लोगों को निकाला जा रहा है, दलित लोगों को निकाला जा रहा है, पिछड़े समाज के लोगों को निकाला जा रहा है, और हर जगह जो सारे पोस्ट उस पर देख लीजिए कि किस तरीके से ऊंचे जात के लोगों का बोलबाला हो गया है और उन लोगों का ही आतंक हो गया है। और हम देख रहे हैं कि आज जो इनका जो दमन कर रहे हैं, दमन सिर्फ गोली और यही तक नहीं है, इसके अलावा हम भी देख रहे हैं कि जो बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज आ रही है, जो भर्ती किया जा रहा है, जो शिक्षक भर्ती है, प्रोफेसर की भर्ती है, और तमाम जो सारे भर्ती हो रहे हैं उसमें भी तमाम जो क्या बोलते हैं कि जो मेरिट का जो सीधा सीधा जो है कि यहाँ पे
उसको हटाया जा रहा है और मेरिट को हटा करके वहाँ पर जातिवादी इनके द्वारा मानसिकता को दिखाया जा रहा है। तो आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि जो योगी सरकार से बोलना चाहते हैं कि आप जो सर्ववादी मानसिकता लेकर के चल रहे हैं, जो आप बहुजनों के ऊपर हत्याएं करा रहे हैं, उनके ऊपर जो दमन कर रहे हैं, इसको आप जल्द से जल्द खत्म कीजिए और सभी लोगों के साथ समानता के साथ पेश आइए, वरना ये जो आंदोलन है पूरे प्रदेश में जगह जगह पे किया जाएगा और आपकी जो सरकार है इसके लिए हम लोग मतलब एक खड़ी मुश्किल खड़ा कर देंगे आपके लिए। और आप सभी को एक संदेश देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और फिर से मैं जितने साथी यहाँ पर आए हैं मैं सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।